Good morning, dear students. Today we will discuss on solution of simultaneous equation by Jacobi's iteration method, which is very important method to solve any simultaneous equation by approximation method. Let us see how we can solve simultaneous equation by Jacobi's iteration method. Consider the simultaneous equations a1x plus b1y plus c1z equal to d1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2, a3x plus b3y plus c3z equal to d3. These are simultaneous equations. If modulus of a1 is greater than modulus of b1 plus modulus of c1, modulus of b2 is greater than modulus of a2 plus modulus of c2, and modulus of c3 is greater than modulus of a3 plus modulus of b3, then iteration method can be applicable. Okay. Now, the system of matrix equation 1 can be written as x equal to d1 minus b1y minus c1z upon a1. Y equal to d2 minus a2x minus c2z upon b2, and z equal to d3 minus a3x minus b3y upon c3. Okay, तो Jacobi's iteration method use करने के लिए सबसे पहले जो simultaneous equations दिए हुए हैं उसके first equation से अपने x की value find कर लेंगे, सेकेंड इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे एंड थर्ड इक्वेशन से z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, राइट? और ये जो थ्री इक्वेशंस मिल रहे हैं इनको अपन इक्वेशन टू से डिनोट कर देंगे. नाउ वी चूज इनिशियल कंडीशन. ओके, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेंगे. लेट द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आर x equal to x naught, y equal to y naught, and z equal to z naught. That is, x equal to y equal to z equal to 0. So, now we get the first approximation. For first approximation, putting x equal to y equal to z equal to 0 in RHS of equation 2, we get the first approximation, x1 equal to 1 upon a1 into d1 minus 0 minus 0, x y और z की जगह हमने 0 पुट किया, तो x1 क्या हमें मिल गया, d1 upon a1, then y1 equal to 1 upon b2, d2 minus, यहां भी जहां पर equation second में x की जगह 0, y की जगह 0 और z की जगह 0 अपन ने पुट किया, तो y1 equal to हमें मिल गया d2 upon b2, and z1 equal to 1 upon c3 into d3 minus सेकेंड और थर्ड इसमें जीरो हो जाएंगे, विच इज इक्वल टू डी थ्री अपॉन सी. तो इस तरह से हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन Jacobi's iteration method का यूज करके फाइंड कर लेंगे. नाउ अगेन पुटिंग एक्स इक्वल टू एक्स वन, वाई इक्वल टू वाई वन, एंड जेड इक्वल टू जेड वन इन आर एच एस ऑफ इक्वेशन टू, वी गेट द सेकेंड अप्रोक्सीमेशन. यहाँ सेकेंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने के लिए अगेन अपन इक्वेशन टू में जाएंगे और इक्वेशन टू के आर एच एस में एक्स इक्वल टू एक्स वन, वाई इक्वल टू वाई वन, एंड जेड इक्वल टू जेड वन पुट करेंगे. देन वी गेट द सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, एक्स टू इक्वल टू वन अपॉन ए वन, डी वन माइनस बी वन वाई वन माइनस सी वन जेड वन, वाई टू इक्वल टू वन अपॉन बी टू इंटू डी टू माइनस ए टू एक्स वन माइनस सी टू जेड वन, एंड जेड टू इक्वल टू वन अपॉन C3 D3 minus A3X1 minus B3Y. यहाँ हम Y1, Z1, X1 की वैल्यू पुट करेंगे. इसी तरह से D1, B1, C1, D2, A2, C2, D3, A3, B3, इन सब की वैल्यू हम पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सेकेंड अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा, राइट? और this process is repeated till the difference between two successive iterations is negligible.
ये प्रोसेस हम तब तक करते जाएंगे जब तक कि किन्हीं दो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू हमें इक्वल नहीं मिल जाती है जिस डेसिमल पॉइंट तक हमें इक्वेशन की रूट फाइंड करना है, जिस डेसिमल पॉइंट तक हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, यहाँ पर अपन एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसको कि हम जैकोबीज इटरेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सॉल्व द इक्वेशन बाय जैकोबीज इटरेशन मेथड। इक्वेशन दिया हुआ है 10x - 5y - 2z = 3, 4x - 10y + 3z = -3, x + 6y + 10z = -3। ये जो सिमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम इक्वेशन 1 से डिनोट कर देंगे। द गिवन इक्वेशंस आर 10x - 5y - 2z = 3, 4x - 10y + 3z = -3, x + 6y + 10z = -3। राइट, अब जो ये सिमल्टेनियस इक्वेशन हमें दिए हुए हैं, इन इक्वेशन से इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इक्वेशन सेकंड से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इक्वेशन थर्ड से z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। Therefore, the system of equation 1 can be written as x equal to 1 upon 10 into 3 plus 5y plus 2z, y equal to 1 upon 10 into 3 plus 4x plus 3z, and z equal to 1 upon 10 minus 3 minus x minus 6y. यहां से x, y, z की जो वैल्यू हमने फाइंड की, इन सभी इक्वेशन को हम कंबाइंड रूप से इक्वेशन 2 से डिनोट कर देंगे। राइट, इसके बाद हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, टेकिंग द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो। अब हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने के लिए इक्वेशन टू के आरएचएस पे जो हमने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लिया ये वैल्यू पुट करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन अपन कैसे फाइंड करें। पुटिंग एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड equal to 0 in RHS of equation 2, we get the first approximation x1 equal to 1 upon 10 into 3 plus 0 plus 0, y z ki jagah yahan pe 0 aa gaya, right, which equal to 3 upon 10 which equal to 0.3. isi tarah se humne y1 find kar liya, y1 equal to 1 upon 10 3 into yahan bhi x aur z jahan pe tha uski jagah apne ne 0 put kar diya, which equal to 3 upon 10 and which equal to 0.3. And z1 equal to 1 upon 10 into minus 3 minus 0 by minus 0, which is equal to minus 3 upon 10 equal to minus 0.3. Right? अब हम second approximation find करेंगे। तो second approximation find करने के लिए again equation 2 में हमें जाना होगा और equation 2 के right hand side में हम x की जगह x1, y की जगह y1 और z की जगह z1 put करेंगे। Right? So putting x equal to x1, y equal to y1 and z equal to z1 in RHS of equation 2, we get the second approximation x2 equal to 1 upon 10 into 3 plus 5 y1 plus 2 z1. यहाँ से y1 z1 की वैल्यू हमने पहले फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से फाइंड की है, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो x2 की वैल्यू हमें मिलेगी 0.39। राइट, अगेन इक्वेशन 2 का जो सेकेंड इक्वेशन है उससे हमको y2 मिलेगा, तो y2 इक्वल टू 1 अपॉन 10 3 प्लस 4x1 प्लस 3z1, यहाँ x1 और z1 की वैल्यू हम एक फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल रही है 0.3। राइट, एंड z2 इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस 3 माइनस x1 माइनस 6y1, यहाँ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से x1 और y1 की वैल्यू पुट कर देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो z2 हमें मिल रहा है -0.5। राइट, अब फर्स्ट और सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हमने फाइंड कर लिया लेकिन इसमें जो x1 और x2 इक्वल नहीं मिल रहे हैं, इसी तरह से y1 y2 इक्वल नहीं मिल रहे हैं, z1 z2 इक्वल नहीं मिल रहे हैं, तो अपन नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए जाएंगे और नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए अपन अगेन इक्वेशन 2 में जाएंगे और इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड में x की जगह x2, y की जगह y2 एंड z की जगह z2 पुट करेंगे। तो नाउ वी फाइंड थर्ड अप्रोक्सीमेशन।
put in x equal to x2, y equal to y2, and z equal to z2 in right hand side of equation 2, we get the third approximation, x3 equal to 1 upon 10, 3 plus 5y2 plus 2z. यहाँ पे y और z था, right? Equation 2 पे y की जगह y2 हमने put कर दिया, z की जगह z2 put किया. अब ये वैल्यू हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन से y2 और z2 की वैल्यू यहाँ पे put कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो x3 हमें मिल रहा 0.363, right? Again y3 equal to 1 upon 10, 3 plus 4x2 plus 3z2. यहाँ भी सेकेंड अप्रोक्सीमेशन से x2 और z2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो y3 हमें मिल रहा है 0.303. Then z3 equal to 1 upon 10, minus 3 minus x2 minus 6y2. यहाँ भी हम इक्वेशन सेकेंड अप्रोक्सीमेशन से x2 और y2 की वैल्यू पुट कर देंगे, राइट? सेकेंड अप्रोक्सीमेशन से x2 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया तो x2 की वैल्यू क्या है, माइनस, सॉरी, x2 की वैल्यू है 0.39 एंड y2 की वैल्यू है 0.33. वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी और इसको सॉल्व करेंगे तो z3 हमें मिल रहा है 0.537. अभी भी सेकेंड और थर्ड अप्रोक्सीमेशन इक्वल नहीं मिल रहे हैं, अपन नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए जाएंगे. नाउ द फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, अगेन अपन इक्वेशन टू में जाएंगे और इक्वेशन टू के राइट हैंड साइड में x की जगह x3, y की जगह y3 एंड z की जगह z3 पुट करेंगे. नाउ पुटिंग x इक्वल टू x3, y इक्वल टू y3 एंड z इक्वल टू z3 इन RHS ऑफ इक्वेशन टू, we get the fourth approximation, x4 equal to 1 upon 10 into 3 plus 5y3 plus 2z3. यहाँ थर्ड अप्रोक्सीमेशन से y3 और z3 की वैल्यू हम पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो x4 हमें मिलेगा 0.3441. Now y4 equal to 1 upon 10 into 3 plus 4x3 plus 3z3. थर्ड अप्रोक्सीमेशन से यहाँ x3 और z3 की वैल्यू हम पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो y4 की वैल्यू हमें मिल रही है 0.2841. Then z4 equal to 1 upon 10 into minus 3 minus x3 minus 6y3. यहाँ भी थर्ड अप्रोक्सीमेशन से हम x3 और y3 की वैल्यू पुट कर देंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो z4 equal to हमें मिलेगा minus 0.518. ओके, अभी भी थर्ड एंड फोर्थ अप्रोक्सीमेशन की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं मिल रही तो अपन नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए जाएंगे. नाउ वी गेट द फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन. तो अगेन पुटिंग x इक्वल टू x4, y इक्वल टू y4 एंड z इक्वल टू z4 इन RHS ऑफ इक्वेशन 2, वी गेट द फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन, x5 इक्वल टू 1 अपॉन 10 into 3 plus 5y2 plus 2z4, 5y4 plus 2z4. और यहाँ पर हम फोर्थ अप्रोक्सीमेशन से y4 और z4 की वैल्यू पुट कर देंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो x5 इक्वल टू हमें मिलेगा 0.3384. ओके, नाउ y5 इक्वल टू 1 अपॉन 10, 3 plus 4x4 plus 3z4. यहाँ फोर्थ अप्रोक्सीमेशन से x4 और z4 की वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद इसे हम सॉल्व करेंगे तो y5 हमें मिलेगा 0.28221 एंड z6 इक्वल टू 1 अपॉन 10, माइनस 3 माइनस x4 माइनस 6y4. यहां भी हम फोर्थ अप्रोक्सीमेशन से x4 और y4 की वैल्यू पुट करेंगे और इसे हम सॉल्व करेंगे तो जब सॉल्व करेंगे तो हमें z6 की वैल्यू मिल रही है माइनस 0.50487. अभी भी अपन देख रहे हैं कि थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन अभी इक्वल नहीं मिल रहा तो हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए जाएंगे. नाउ द सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन, अगेन पुटिंग x इक्वल टू x5, y इक्वल टू y5 and z equal to z5 in
arranges of equation 2, we get the sixth approximation, x6 equal to 1 upon 10 into 3 plus 5y5 plus 2z5. यहाँ फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन से y5 और z5 की वैल्यू हम पुट कर देंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो x6 हमें मिलेगा 0.340135 एंड y6 इक्वल टू 1 अपॉन 10 इनटू 3 प्लस 4x5 प्लस 3z5 फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन से x5 और z5 की वैल्यू हमें यहां पे पुट करेंगे इसे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद अपन देखते हैं कि y6 हमें मिल रहा है 0.28391 एंड z6 इक्वल टू 1 अपॉन 10 इनटू -3 माइनस x5 माइनस 6y5 फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन से x5 और y5 की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें z6 मिल रहा है -0.50314 ओके Now we get the next approximation, seventh approximation. Again putting x equal to x6, y equal to y6, and z equal to z6 in RHS of equation 2, we get the seventh approximation, x7 equal to 1 upon 10 into 3 plus 5y6 plus 2z6. Yahan sixth approximation se y6 or z6 ki value hum put karenge. और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें x7 मिल रहा 0.34132.7 अब y7 इक्वल टू 1 अपॉन 10 इनटू 3 प्लस 4x6 प्लस 3z6 सिक्स अप्रोक्सीमेशन से x6 और z6 की वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो y7 हमें मिलेगा 0.285107 And z7 equal to 1 upon 10 into -3 minus x6 minus 6y6. यहाँ x6 और y6 की वैल्यू हम 6 अप्रोक्सीमेशन से पुट कर देंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो z7 हमें मिलेगा -0.504359. ओके अभी भी अपन देख रहे हैं कि 6 और 7th अप्रोक्सीमेशन में x6 x7 की इक्वल नहीं है y6 y7 की इक्वल नहीं है z6 z7 की इक्वल नहीं है तो हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए जाएंगे नाउ वी गेट द 8th अप्रोक्सीमेशन तो फॉर फाइंडिंग 8th अप्रोक्सीमेशन पुटिंग x इक्वल टू x7 y इक्वल टू y7 एंड z इक्वल टू z7 इन RHS ऑफ इक्वेशन 2 वी गेट द 8th अप्रोक्सीमेशन x8 इक्वल टू 1 अपॉन 10 इनटू 3 प्लस 5y7 प्लस 2z7 सेवेंथ अप्रोक्सीमेशन से y7 और z7 की वैल्यू हम पुट कर देंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो x8 हमें मिलेगा 0.341679 नाउ y8 इक्वल टू 1 अपॉन 10 इनटू 3 प्लस 4x7 प्लस 3z7 यहां सेवेंथ अप्रोक्सीमेशन से x7 और z7 की वैल्यू हम पुट करेंगे वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व करेंगे तो y8 हमें मिलेगा 0.285221 एंड z8 इक्वल टू 1 अपॉन 10 इनटू -3 माइनस x7 माइनस 6y7 सेवेंथ अप्रोक्सीमेशन से x7 और y7 की वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो z8 हमें मिलेगा 0.505229 अभी भी अपन देख रहे हैं कि सेवेंथ और एथ अप्रोक्सीमेशन में x7 x8 इक्वल नहीं है y7 y8 की इक्वल नहीं है और z7 z8 की इक्वल नहीं राइट तो हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए जाएंगे तो नाउ वी फाइंड द नाइंथ अप्रोक्सीमेशन तो फॉर फाइंडिंग नाइंथ अप्रोक्सीमेशन पुटिंग x इक्वल टू x8 y इक्वल टू y8 एंड z इक्वल टू z8 इन RHS ऑफ इक्वेशन 2 वी गेट द नाइंथ अप्रोक्सीमेशन x9 इक्वल टू 1 अपॉन 10 into 3 plus 5y8 plus 2z8 यहाँ y8 और z8 की वैल्यू हम 8th approximation से पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो x9 हमें मिलेगा 0.34156 now y9 is equal to 1 upon 10 into 3 plus 4x8 plus 3z8 x8 और z8 की वैल्यू हम
एट द अप्रोक्सीमेशन से यहाँ पे पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो अपन देख रहे हैं कि ए बाय नाइन हमें मिल रहा 0.28510 एंड जेड नाइन इक्वल टू 1/10 इंटू -3 माइनस एक्स एट माइनस 6 वाई एट एट द अप्रोक्सीमेशन से एक्स एट और वाई एट की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो जेड नाइन हमें मिलेगा -0.505। ओके तो यहां पर अपन देख रहे हैं सिंस एक्स एट इक्वल टू एक्स नाइन वाई एट इक्वल टू वाई नाइन एंड जेड इक्वल टू जेड नाइन करेक्ट टू 3 decimal places, therefore the required solution is x equal to 0.342, y equal to 0.285 and z equal to -0.505। इस तरह से हमने जैकोबीज इटरेशन मेथड का यूज करके सिमिलटेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। ओके थैंक यू।